बना रहे हैं खट्टे आलू की सब्जी। देखिए तेल डाल रहे हैं हम, 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। ये लहसुन है, लहसुन की पेस्ट बना ली हमने, ये ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। इसकी अपनी ही खुशबू आ रही है अच्छी सी, इसका अपना ही टेस्ट है। इसको साथ साथ में हिलाएंगे। देखिए लाइट लाइट ब्राउन हो रहा है। दूसरी ही साइड पे टमाटर को भी ग्राइंड कर लेंगे। कितने आलू है? 1/2 kg आलू के लिए आप 5 टमाटर डालेंगे तो वो अच्छे से खट्टा हो जाएगा। इसमें आपको प्याज नहीं ऐड करना है, बिना प्याज वाले लोग भी खा सकते हैं। अगर आप ये लहसुन भी नहीं ऐड करना चाहें, आप बिना लहसुन ऐड करे भी इसको बना सकते हैं। तेल में सीधा अपने मसाले डाल के उसके ऊपर टमाटर डाल सकते हैं। और स्पाइसी बन के लिए आप हरी मिर्ची ऐड करना चाहें, ये देखिए ग्रीन चिली ऐड कर लीजिए। ये आपके ऊपर, आपकी मर्जी है कि आप कितने उसको ऐड करना चाहते हैं। ये देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि वो जले ना। पानी डाल के उसको हिला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्ची। स्पाइसीनेस आपके अकॉर्डिंग, आप जितनी पसंद करते हैं, थोड़ी सी हल्दी। अब इसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे कि मसाले हमारे जले ना, नमक भी स्वाद अनुसार। ये देखिए टमाटर ग्राइंड भी हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाले हमारे जले ना। अगर पानी नहीं डालेंगे तो मसाले जल जाते हैं हमारे और कड़वापन आ जाता है, इसलिए। ये देखिए जब मसालों को वो करे थे तब मैंने गैस धीमी रखी थी, अब गैस की आंच फिर से तेज कर ली है। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 हमने बिल्कुल सावर टमाटर भी डाले हैं, उससे भी अपना टेस्ट वेल्प होता है। अब इसको राड़ लगा लेंगे। राड़ लगाने का मतलब कि इसको अच्छे से, जितना हमारा लहसुन है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका तैयार हो गया अच्छे से? जब इसका ये जो सारा पानी है बिल्कुल सूख के, बिल्कुल ये एक सॉलिड सा बन, मतलब इतना सॉलिड भी नहीं बनता, जिससे वो थिक हो जाता है, जब वो साइड पे तेल छोड़ देता है, तो उसको कहते हैं जब ये तैयार हो गया। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कैसे पता चलता है कि वो तैयार हो गया। तो ये थोड़ा बॉईल होएगा। अभी इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे अच्छे से पकने में। अगर आप चाहें तो उसको कवर भी कर सकते हैं, बट कवर करने से इसके अंदर फिर से कंडेंसेशन से पानी रह जाता है, तो उसको आप बिना कवर करे ही बनाए, बिना लिड के। साथ ही हमने पूड़ी के लिए भी आटा गूंद लिया है। इसमें हमने आटा डाला है, उसके साथ हमने मैदा डाला और बेकिंग सोडा डाला है, जिससे उसमें फ्लफीनेस आती है पूड़ी में। और साइड ऑन साइड हमने तेल भी रख दिया है पूड़ी के लिए, वो भी दिखाते हैं। ये डालडा घी है, हमने डालडा घी रखा है पूड़ी के लिए। अभी देखिए स्लो आंच में हो रहा है, ऐसा ऐसा मेल्ट हो जाएगा सारा, वो भी दिखाते हैं। आजकल सर्दी है, इसके साथ हम डालडा रिफाइन ऑयल भी मिक्स करेंगे। ये देखिए ये आपकी मर्जी, आप कितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं। ये देखिए बट ज़्यादा नहीं डालना है, डालडा की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और रिफाइन की थोड़ी कम रखनी है। तरफ पूड़ी के लिए हमारा घी गर्म हो रहा है। और ये देखिए ये अपने किस फॉर्म तक पहुँच गया, बॉइल्ड फॉर्म में आ गया है। अब हार्डली 10 से 15 मिनट्स और लगेंगे इसको अच्छे से तैयार होने में। अब ये हम उसमें ऐड करने वाले हैं, ये आलू, धनिया और ये घर की सुखाई हुई हरी मेथी, जिसको अच्छे से हाथ से आप स्मैश कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए ये रेडी हो गया। ये देखिए अब इसमें हम अपने आलू ऐड करेंगे, आलू मेथी और ये देखिए
ये देखिए अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, ये देख सकते हैं आप कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। मन कर ऐसे ही खा जाए पर कच्चे हैं अभी, खा नहीं सकते। इसको हल्का सा पकाएंगे, जिसकी सोंधी सोंधी स्मेल होती है ना, जिसे हम खुशबू भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं आती है खाने में जब आप इसको थोड़ा पकाने के बाद प्रेशर लगवाते हैं। देखिए अब इसमें पानी ऐड करेंगे, वो आपकी मर्जी क्या है, आप कितनी कंसिस्टेंसी चाहते हैं, कितनी थिक चाहते हैं या कितनी पतला चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यह पानी ऐड हो गया। अब इसको हम कवर करेंगे, एक से दो सीटी लगवाएंगे जिससे ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे। ये देखिए 15 मिनट, अब ये देखिए 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कुकर में सीटी लगवाएंगे। ये देखिए अब हमने इस डो को हाफ एन आवर रेस्ट पे रखा था, अब ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट हो गया। ये अब हम हाथ से तेल लगाएंगे, इससे जो आटा है हमारे हाथ में नहीं चिपकेगा। और इसमें आप दही भी डाल सकते हैं अपने डो में। दही क्यों डालेंगे, इसमें पूरी जैसे भटूरे में लचकीला बनाता है, जैसे वो सॉफ्ट सॉफ्ट हिलता है, वैसे ही सेम इसके साथ भी होएगा। ये देखिए अब देखिए पूरी कैसे तैयार हो रही है। वो खाली मैदे से होता है जिसको हम हाथों से करते हैं, इस पर थोड़ा हम बेलन भी चला सकते हैं। ये देखिए और साइड बाय साइड हमारे आलू भी रेडी हो रहे हैं। आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको कुकर की। ये देखिए ये इसको ऐसे छांट लेंगे, फिर अब अपनी कढ़ाई के पास ले लेते हैं इसको। ये देखिए ये हमारा तेल गर्म हो गया अच्छे से। ये हमारी पूरी, इसको साथ में थोड़ा हिलाएंगे कि वो अच्छे से फूले। अगर हम इसको हिलाते नहीं है तो ये फूलती नहीं है। मुझे तो क्रिस्पी पूरी पसंद है, आपको कैसी पसंद है आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसी पूरी पसंद है। ये देखिए कलर चेंज हुआ, पहले वाइट थी अब लाइट ब्राउन हो गया। अब मेरे को जैसे कि क्रिस्पी पसंद है, ये थोड़ी और डार्क होगी। और ये देखिए हमारा ये अभी इसके 10 से 15 मिनट हो रहे हैं, साइड ऑन साइड हमारे लिए कॉफ़ी भी रेडी हो रही है। ये देखिए अब ये कड़क हो गई है। अब हम पूरी को बाहर निकालेंगे, अगर ज़्यादा कड़क करेंगे तो जल ही जाएगी। अब हम अपने आलू का थोड़ा सा वेट करेंगे, आलू जैसे ही आते हैं आपको टेस्ट करके बताते हैं और दिखाते हैं कि प्रेशर से निकलने के बाद वो कैसे दिखते हैं। ये देखिए ऑयल सारा निकल गया पूरी में से ऑलमोस्ट, और जो लिटल बिट बाकी है वो हम टिश्यू पेपर पर रखेंगे, टिश्यू से सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। ठीक सॉर्ट ऑफ ये भटूरा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए देखिए अब आलू भी तैयार हो गए, अब आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर खोल रहे हैं। ये देखिए अभी कड़छी मारेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए ये चेक करें कि रेडी, ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको मैश कर लेंगे, अगर आप चाहें ऐसे खाना तो ऐसे भी खाना सकते हैं, बट हमें पूरी के साथ ये मैश चाहिए। ये देखिए देखो उधर एक और पूरी रेडी हो रही है। ये देखिए ये भी मेरी है क्रिस्पी क्रिस्पी, वो देखिए ये सबसे क्रिस्पी। ये देखिए आलू अब मैश हो गए, अब हम अपनी प्लेट को तैयार करेंगे। आ जाइए प्लेट जी हमारी। ये देखिए ये रही ये आलू, मुझे तो ये बहुत पसंद है, ये मैं कटोरी भर के खाती हूँ। और ये हमारी पूड़ी, और देखिए साइड पे हमने दो ऑप्शन दिए हैं, एक कॉफी है और एक चाय है। अब आप कॉफी चाय जिसके साथ लेना चाहें उसके साथ ले सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा होममेड बटर,
हमारी सब्जी के लिए। ये देखिए, अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ये देखिए, अब हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ये देख सकते हैं आप, इसको हिला लीजिए अच्छे से। ये देखिए कितनी टेंडर एंड सॉफ्ट है। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट बनी है, प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।